नगर आदि के वास्तु का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, कार्तिके अब मैं राज्यादि की अभिवृद्धि के लिए नगर वास्तु का वर्णन करता हूँ। नगर निर्माण के लिए एक योजन या आदि योजन भूमि ग्रहण करें, वास्तु नगर का पूजन करके उसको प्राकार से संयुक्त करें। ईशादि 30 पदों में सूर्य के सम्मुख पूर्व द्वार, गंधर्व के समीप दक्षिण द्वार, वरुण के निकट पश्चिम द्वार और सोम के समीप उत्तर द्वार बनाना चाहिए। नगर में चौड़े चौड़े बाजार बनाने चाहिए। नगर द्वार 6 हाथ चौड़ा बनाना चाहिए, जिससे हाथी आदि सुखपूर्वक आ जा सकें। नगर छीनकर्ण भग्न तथा अर्ध चंद्राकार नहीं होना चाहिए। वज्र सूचीमुख नगर भी हितकर नहीं है। 1, 2 या 3 द्वारों से युक्त धनुषाकार वज्र नागाभ नगर का निर्माण शांतिप्रद है। नगर के आग्नेय कोण में स्वर्णकारों को बसावें। दक्षिण दिशा में नृत्योपजीवी वारंगनाओं के भवन हों। नैऋत्य कोण में नट, कुंभकार तथा केवट आदि के आवास स्थान होने चाहिए। पश्चिम में रथाकार, आयुधकार और खड्ग निर्माताओं का निवास हो। नगर के वायव्य कोण में मध्य विक्रेता, कर्मकार तथा भृत्यों का निवेश करें। उत्तर दिशा में ब्राह्मण, यति, सिद्ध और पुण्यात्मा पुरुषों को बसावें। ईशान कोण में फलादि का विक्रय करने वाले एवं वणिज जन निवास करें। पूर्व दिशा में सेनाध्यक्ष रहें। आग्नेय कोण में विविध सैन्य, दक्षिण में स्त्रियों को ललित कला की शिक्षा देने वाले आचार्यों तथा नैऋत्य कोण में धनुर्धर सैनिकों को रखें। पश्चिम में महामात, कोषपाल एवं कारीगरों को, उत्तर में दंडाधिकारी, नायक तथा द्विजों को, पूर्व में क्षत्रियों को, दक्षिण में वैश्यों को, पश्चिम में शूद्रों को, विभिन्न दिशाओं में वैद्यों को और अश्वों को तथा सेना को चारों ओर रखें। राजा पूर्व में गुप्तचरों, दक्षिण में शमशान, पश्चिम में गोधन और उत्तर में कृषकों का निवेश करें। मलेच्छों को दिक् कोणों में स्थान दें अथवा ग्रामों में स्थापित करें। पूर्व द्वार पर लक्ष्मी एवं कुबेर की स्थापना करें, जो उन दोनों का दर्शन करते हैं। उन्हें लक्ष्मी संपत्ति की प्राप्ति होती है। पश्चिम में निर्मित देव मंदिर पूर्वाभिमुख, पूर्व दिशा में स्थित पश्चिमाभिमुख तथा दक्षिण दिशा के मंदिर उत्तराभिमुख होने चाहिए। नगर की रक्षा के लिए इंद्र और विष्णु आदि देवताओं के मंदिर बनवावें। देव शून्य नगर, ग्राम, दुर्ग तथा गृह आदि का पिशाच उपभोग करते हैं और वो रोग समूह से परिभूत हो जाता है। उपर्युक्त विधि से निर्मित नगर आदि सदा जयप्रद और भोग मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। वास्तु भूमि की पूर्व दिशा में श्रृंगार कक्ष, अग्निकोण में पाक गृह रसोई घर, दक्षिण में शयन गृह, नैऋत्य कोण में शस्त्रागार, पश्चिम में भोजन गृह, वायव्य कोण में धान्य संग्रह, उत्तर दिशा में धनागार तथा ईशान कोण में देवगृह बनवाना चाहिए। नगर में 1 शाल, 2 शाल, 3 शाल या चतुःशाल गृह का निर्माण होना चाहिए। चतुःशाल गृह के शाला और अलिंद प्रांगण के भेद से 200 भेद होते हैं। उनमें भी चतुःशाल गृह के 55, 3 शाल गृह के 4 और 2 शाल के 5 भेद होते हैं। 1 शाल गृह के 4 भेद हैं। अब मैं अलिंद युक्त गृह के विषय में बतलाता हूँ, सुनिए। गृह वास्तु तथा नगर वास्तु में 28 अलिंद होते हैं। 4 तथा 7 अलिंदों से 55, 6 अलिंदों से 20 तथा 8 अलिंदों से भी 20 भेद होते हैं। इस प्रकार नगर आदि में 8 अलिंदों से युक्त वास्तु भी होता है। भुवन कोश, पृथ्वी द्वीप आदि तथा स्वयंभू स्वर्ग का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं भुवन कोश तथा पृथ्वी एवं द्वीप आदि के लक्षणों का वर्णन करूंगा। आग्निद्र, अग्निबाहु व पुष्पान, द्वितीमान, मेघा, मेघातिथि, भव्य, सवन और शय, ये प्रियव्रत के पुत्र थे। उनका 10वां यथार्थ नामा पुत्र ज्योतिषमान था। प्रियव्रत के पुत्र विश्व में विख्यात थे। पिता ने उनको 7 द्वीप प्रदान किए। आग्निद्र को जम्बुद्वीप एवं मेघातिथि को लक्षद्वीप दिया। वह पुष्पान को शाल्मिली द्वीप, ज्योतिषमान को कुशद्वीप, द्वितीमान को क्रौंच द्वीप तथा भव्य को शाप द्वीप में अभिवक्षित किया। सवन को पुष्कर द्वीप प्रदान किया। शेष 3 को कोई स्वतंत्र द्वीप नहीं मिला। आग्निद्र ने अपने पुत्रों में लाखों योजन विशाल जम्बुद्वीप को इस प्रकार विभाजित कर दिया। नाभि को हिमवर्ष, आधुनिक भारतवर्ष प्रदान किया। किम पुरुष को हेमकुट वर्ष, हरिवर्ष को नैषध वर्ष, इलावृत को मध्य भाग में मेरु पर्वत से युक्त इलावृत वर्ष, रम्यक को नीलाचल से आश्रित रम्यक वर्ष, हिरण्यवान को श्वेत वर्ष एवं कुरु को उत्तर कुश वर्ष दिया। उन्हें भद्रवाक्ष को भद्रावर्ष तथा केतुमाल को मेरु पर्वत के पश्चिम में स्थित केतुमाल वर्ष का शासन प्रदान किया। महाराज प्रियव्रत अपने पुत्रों को उपर्युक्त द्वीपों में अभिषिक्त करके वन में चले गए। वे नरेश शालग्राम क्षेत्र में तपस्या करके विष्णु लोक को प्राप्त हुए। मुनिश्रेष्ठ, किम पुरुषादि जो 8 वर्ष है उनमें सुख की बहुलता है और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं।
उनमें जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं है और ना धर्म अधर्म अथवा उत्तम मध्यम और अधम आदि का ही भेद है। वहाँ सब समान है, वहाँ कभी युग परिवर्तन नहीं होता। हिमवर्ष के शासक नाभि की मेरु देवी से ऋषभदेव पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। ऋषभ के पुत्र भरत हुए। ऋषभदेव ने भरत पर राज्य लक्ष्मी का भार छोड़कर शालग्राम क्षेत्र में श्रीहरि की शरण की। भरत के नाम से भारतवर्ष प्रसिद्ध है। भरत से सुमति हुए। भरत ने सुमति को राज्य लक्ष्मी देकर शालग्राम क्षेत्र में श्रीहरि की शरण ली। उन योगी राज ने योगाभ्यास में तत्पर होकर प्राणों का परित्याग किया। इनका वो चरित्र तुमसे मैं फिर कहूंगा। तदनंतर सुमति के वीर से इंद्रधनु का जन्म हुआ। उससे परम श्रेष्ठी और परम श्रेष्ठी का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता, प्रतिहर्ता के भव, भव के उद्गित, उद्गित के प्रस्तार, प्रस्तार के विभु नामक पुत्र हुआ। विभु का पृथु, पृथु का नक्त एवं नक्त का पुत्र गय हुआ। गय के नर नामक पुत्र और नर के विराट नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विराट का पुत्र महावीर था। उससे धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महांत और उसका पुत्र मनस्य हुआ। मनस्य का पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा का वीरज और वीरज का पुत्र रज हुआ। मुने रज के पुत्र शतजीत के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से विश्वज्योति मुख्य था। उनसे भारतवर्ष की अभिवृद्धि हुई। कृत्रेतादि युग क्रम से ये स्वयंभू मनु का वंश माना गया है। भुवनकोश वर्णन के प्रसंग में भूमंडल के द्वीप आदि का परिचय। अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ, जम्बु, प्लक्ष, महान, शालमिली, कुश, क्रौंच, शाक और सातवां पुष्कर। ये सातों द्वीप चारों ओर से खारे जल, इक्षुरस, मदिरा, धृत, दधि, दुग्ध और मीठे जल के सात समुद्रों से घिरे हुए हैं। जम्बुद्वीप उन सब द्वीपों के मध्य में स्थित है और उसके भी बीचों बीच में मेरु पर्वत सीनाताने खड़ा है। उसका विस्तार 84,000 योजन है और ये पर्वतराज 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। ऊपरी भाग में इसका विस्तार 32,000 योजन है। नीचे की गहराई में इसका विस्तार 16,000 योजन है। इस प्रकार ये पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका के समान स्थित है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत है। इसके बीच के दो पर्वत निषद और नील 1,100,000 योजन तक फैले हुए हैं। दूसरे पर्वत उनसे 10,000 योजन कम है। वे सभी 2,000 योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। द्विजश्रेष्ठ मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला वर्ष भारत वर्ष है और दूसरा किम पुरुष वर्ष और तीसरा हरि वर्ष माना जाता है। उत्तर की ओर रम्यक, हिरण्यमय और उत्तर कुरु वर्ष है जो भारत वर्ष के ही समान है। मुनि प्रवर, इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9,000 योजन है तथा इन सब के बीच में इलावृत वर्ष है जिसमें सुवर्णमय सुमेरु पर्वत खड़ा है। महाभाग, इलावृत वर्ष सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर चार पर्वत हैं। ये चारों पर्वत मानो सुमेरु को धारण करने वाले ईश्वर निर्मित आधार स्तंभ हो। इनमें से मंदराचल पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में, पार्श्व में और सुपार्श में उत्तर में है। ये सभी पर्वत 10,000 योजन विस्तृत हैं। इन पर्वतों पर 1,100 योजन विस्तृत कदम, जम्बू, पीपल और वट के वृक्ष हैं, जो इन पर्वतों की पताकाओं के समान प्रतीत होते हैं। इनमें से जम्बू वृक्ष ही जम्बूद्वीप के नाम का कारण है। उस जम्बू वृक्ष के फल हाथी के समान विशाल और मोटे होते हैं। इसके रस से जम्बू नदी प्रवाहित होती है। इसी से परम उत्तम जम्बू नद सुवर्ण का प्रादुर्भाव होता है। मेरु के पूर्व में भद्रवाक्ष वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। इसी प्रकार इसके पूर्व की ओर चैत्ररथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर वैभाज्र और उत्तर की ओर नंदन नामक वन है। इसी तरह पूर्व आदि दिशाओं में अरुणोद, महाभ्रद, शीतोद और मानस ये चार सरोवर है। सीताम्भ तथा चक्रमुंज आदि भूपद्म की कर्णिका रूप मेरु के पूर्व दिशावर्ती केसर स्थानीय अचल है। दक्षिण में त्रिकूट आदि, पश्चिम में शिखिवास प्रभृति और उत्तर दिशा में शंखकूट आदि ये केसराचल है। सुमेरु पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी की पुरी है। उसका विस्तार 14,000 योजन है। ब्रह्मापुरी के चारों ओर सभी दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों के नगर हैं। इसी ब्रह्मपुरी से श्री विष्णु के चरण कमल से निकली हुई गंगा नदी चंद्रमंडल को आप्लावित करती हुई स्वर्गलोक से नीचे उतरती है। पूर्व में सीता अथवा सीता नदी भद्रवाक्ष पर्वत से निकलकर एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार अलकनंदा भी दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती है और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु पश्चिम समुद्र में तथा भद्रा उत्तर कुरु वर्ष को पार करती हुई समुद्र में जा गिरती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत उत्तर और दक्षिण की ओर नीलाचल एवं निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में कर्णिकाकार मेरु पर्वत स्थित है। मर्यादा पर्वतों के बहिर्भाग में स्थित भारत, केतुमाल, भद्रवाक्ष और उत्तर कुरु वर्ष इस लोक पद्म के दल हैं
जठर और देवकुट ये दोनों मर्यादा पर्वत हैं। ये उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर विस्तृत गंधमादन एवं कैलाश ये दो पर्वत 80,000 योजन विस्तृत हैं। पूर्व के समान मेरु के पश्चिम की ओर भी निषद और पारियात्र नामक दो मर्यादा पर्वत हैं, जो अपने मूल भाग से समुद्र के भीतर तक प्रविष्ट हैं। उत्तर की ओर त्रिशिंग और रुधिर नामक वर्ष पर्वत हैं। ये दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में व्यवस्थित हैं। इस प्रकार जठर आदि मर्यादा पर्वत मेरु के चारों ओर सुशोभित होते हैं। ऋषि प्रवर, केसर पर्वतों के मध्य में जो श्रेणियां हैं, उनमें लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि तथा सूर्य आदि देवताओं के नगर हैं। ये भौम होते हुए भी स्वर्ग के समान हैं। इनमें पापात्मा पुरुषों का प्रवेश नहीं हो पाता। श्री विष्णु भगवान भद्रवाक्ष वर्ष में, हयग्रीव के रूप से केतुमाल वर्ष में, वराह रूप से भारत वर्ष में, कूर्मकर्म के रूप में तथा उत्तर कुरु वर्ष में मत्स्य के रूप से निवास करते हैं। भगवान श्रीहरि विश्व रूप से सर्वत्र पूजित होते हैं। किम पुरुष आदि 8 वर्षों में शुधा, भय तथा शोक आदि कुछ भी नहीं होता। उनमें प्रजाजन 24,000 वर्ष तक रोग शोक रहित होकर जीवन व्यतीत करते हैं। उनमें कृत त्रेता आदि युगों की कल्पना नहीं होती, न उनमें कभी वर्षा ही होती है। उनमें केवल पार्थिव जल रहा है। इन सभी वर्षों में 7-7 कुलाचल पर्वत है और उनसे निकली हुई सैकड़ों तीर्थ रूपा नदियां हैं। अब मैं भारत वर्ष में जो तीर्थ हैं उनका तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूं।